Hey guys, good evening. Welcome back to my channel Sonali's Life Studio. Hope you all are doing so well. So guys, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेशन की पहली स्नो, जो मेरे US आने के बाद जो पहली स्नो है वो. अब इधर शीशा से अच्छा नहीं आ रहा है, पर बाहर चल के दिखाती. लेट्स गो. बेटा निकल, चल भागो. देखो चप्पल पहना है. सर इधर द स्नो. Look at the view. ठंडी है. So guys, it's too cool and clear नहीं आ रहा उतना. View देखिए क्या मस्त view आ रहा है, जबरदस्त. बहुत अभी तो वैसे बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्नो नहीं है. निधान यू फील कोल्ड? I really enjoy. और ये व्यू तो सच में इतना जबरदस्त व्यू है, क्या बोलूँ. और ये है मेरे घर का ऐसे मतलब बना हुआ है शेड, इंजॉय करने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए. और ये इधर से निकल के और इधर ऐसे बैक में लेक है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ. हाथ बहुत ठंडी हो रही है. सो अभी देखते हैं ये स्नो कब तक होता है. लेट्स सी. सो अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है. बाय गाइस. सो फ्रेंड्स, मेरे हाथ पूरे जम गए, बहुत ज़्यादा ठंडी है, हाथ पूरे जम गए हैं. सो चलिए मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने. ये रिधान ने रूम का पूरा कंडीशन ख़राब कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टीवी है तो हम सब यहाँ पे ही दिन भर पड़े रहते हैं. सो पहले मैं फटाफट इसको ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी. सो गाइस, चलती हूँ चाय बनाने. सो ये है मेरा किचन, तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय. ये दो महान आत्मा आए हैं बाहर से घूम के और दोनों की हालत खराब हुई थी. निधान, यू फील कोल्ड? मैं निधान के लिए भी दूध तैयार करूंगी, तो दूध ऑलरेडी. सी यू आफ्टर टी. बाय बाय. Guys, now it's laundry time. So ये पूरा लॉन्ड्री बैग भर के लॉन्ड्री हो गया कपड़े. अब आप देख सकते हैं इधर मेरे किचन से ही अटैच है लॉन्ड्री रूम. सो लाइट पहले ऑन कर देती हूँ. हाँ, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल देती हूँ. रिधान मुझे बहुत हेल्प करता है ना रिधान. नानी के घर में कभी काम नहीं करता था, यहाँ मम्मा काम करवा रही है. नानी को बोल, कंप्लेन कर दोगे नानी से मेरी? हाँ, कंप्लेन नहीं कर दो. कंप्लेन कर दोगे? अच्छा ठीक है, तो हेल्प करना इज गुड थिंग ना रिधान. तो फिर सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा थोड़े डिफरेंट स्टाइल से. सो आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी गाजर का हलवा डिफरेंट और इजी स्टाइल से. सो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा लगा. ठीक है, तो लेट्स गो एंड स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया ऑलरेडी और एक में घी डाल दिया है कुकर में. और इधर हाफ के जी की तरह मेरे पास गाजर है, तो उस हिसाब से मैंने. सो अब
मैं करती हूँ प्रोसेस आगे। मेरा घी गरम हो गया है, अब मैं उसमें गाजर, खड़ी गाजर, गाजर को आपको पीसेस नहीं करना है, बस आपको कुकर का देखना है कि कुकर में गाजर आना चाहिए, तो मैंने दो टुकड़ों में बस काट दिया है और गाजर को डाल दिया है और दूध यहाँ पे बॉईल होने के लिए ऑलरेडी चढ़ा दिया है। गाजर को हमें थोड़ा सा सॉटे करके आना है और अगर आप, मेरे पास अभी केसर अवेलेबल नहीं है तो गाजर में आपको केसर ऐड करना है 6 to 7 स्ट्रिप्स और साथ में, और इसके साथ मैं दो इलायची की जो ये ग्रीन वाली पार्ट होती है वो ऐड कर दे रही हूँ और इसको 2 to 3 मिनट तक सॉटे करना है। बिल्कुल भी जरा सा, लाइक थोड़ा सा एकदम इतना सॉल्ट ऐड करूंगी। रिमेम्बर गाइस कि मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसमें, शुगर नहीं। सॉल्ट हमारे गाजर का हलवा का जो टेस्ट है उसको और इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। ज्यादा नहीं, यानी कि एक चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए, वैसे नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट और उसको गाजर थोड़ा पक गया है, अब मैं उसमें 2 सीटी लगा दूंगी। पानी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही पका के 2 सीटी लगा देना है मीडियम फ्लेम पे। एंड गाजर हो गया है, अब इसको ज्यादा मैश नहीं करेंगे हम। दूध भी मेरा ऑलमोस्ट बॉयल हो गया, गाजर को बस हल्का हल्का ऐसे मैश करना, बहुत ज्यादा नहीं, बस उसका हलवा नहीं बनाना। उसके बाद ये गाजर हम दूध में डाल देंगे, दूध बिल्कुल हाफ करना है। गाजर डाल दिया, उसको अच्छे से आपको पकाते रहना है जब तक दूध कम ना हो। गाइस ये हलवा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं अब आप उसको मतलब जब स्टीर करते तभी हल्का हल्का आप चम्मच से उसको प्रेस करिए ताकि वो अच्छा से हो जाए, नहीं तो फिर जो पोटैटो मैशर आता अगर वो खड़ा ही रह जाता तो आप पोटैटो मैशर से कर दीजिए। ज्यादा आपको उसको क्रश भी करना है, नहीं तो वो हलवा मतलब वो अच्छा से मतलब नहीं, मतलब लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। ये चढ़ाऊंगी कढ़ाई में, मैं घी डालूंगी, ये अच्छे अमाउंट में लेना है आपको। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी ली हूँ, 2 चम्मच। घी में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट करेंगे और उसी घी मतलब मैं तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ बिकॉज मेरे जवान नहीं खाएगा सो, और मेरे पास अभी आलमंड्स ही अवेलेबल है सो मैं सिर्फ आलमंड्स ले रही हूँ। आप लोग के पास जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। गर्म हो गया, अब मैं इसमें आलमंड ऐड कर दे रही हूँ और आलमंड को गोल्डन ब्राउन होने तक स्टीर करूंगी। फ्रेंड्स मैं हलवा में इलायची मिक्स कर दे रही हूँ और मैं अब ये जो आलमंड्स है उसको एक कटोरा में निकाल लूंगी और अब ये जो घी है इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको घी में भून दूंगी अच्छे से गाजर का हलवा। इसको पूरा अच्छे से पकाना है घी में, हलवा को भूनना ना भूले।
गाइस अब ये हो गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी के साथ अब इसको 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। गाइस वीडियो में इसके कलर अच्छे नहीं आ रहे, बट इसके कलर बहुत अच्छे हुए मेरे फ़ोन की वजह से। और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया। एक्चुअली ये वाइट वाइट दिख रहा है, बट है ये बिल्कुल रेड कलर का। तो अभी ये मैं गैस ऑफ कर दी और इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ में आज मैं डिनर में बना रही हूँ भिंडी आलू की सब्ज़ी रोटी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस नेक्स्ट। ऑलरेडी 7 बज गए। सो गाइस भिंडी आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, उसमें थोड़ा घी भी है, तो मैं बहुत कम ऑयल पे ये सब्जी बनाऊंगी। अब मैं उसमें गरम मसाला ऐड करूंगी और चाट मसाला। उसके 2 से 3 मिनट तक आप इसको पका के गैस ऑफ करके रख दीजिए। अब मैं इसका गैस ऑफ कर दे रही हूँ और ढक के छोड़ दे रही हूँ। ये अपना पकता रहेगा और इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी और फिर बाय द वीडियो। सो गाइज वी आर रेडी टू टेस्ट द हलवा। आई डोंट नो ये वीडियो में क्यों अच्छा नहीं आ रहा है, बट चलिए सबको टेस्ट करा देती हूँ। हलवा ये लीजिए। रिधान के, अरे खाइए, खा के बताइए कैसा टेस्ट है। अरे जल्दी खाओ, कोई भी खाओ यार, जल्दी खाओ। नहीं ये सीन जो है, इससे पहले इनकी कियारा से बात हुई थी काफी। अच्छा यम्मी। तो रिधान ने पास कर दिया हलवा। अब पति देव बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ कभी सीन में। और शायद खड़ा है और सीन में लिखा है, तो मैं जा रही हूँ एक कड़ाका देने वाली हूँ मैं उसको। अच्छा तो मुझे बताओ ताकि मेरे यम्मी चलो। तो आप भी ये मतलब सबको ऑडियंस को ये रेसिपी ट्राई करना चाहिए। ओके सो गाइस ये इनका ब्रेक डिनर रेडी हो गया है। सो इन्हें जल्दी ये टीवी देख के जल्दी 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 अभी ये लोग बेड पे ही खाएंगे। फ्रेंड्स ये रिधान का डिनर है, योगर्ट हलवा और रोटी। सब्जी खिलाना उसको बहुत टफ है। सो मैं उसको उसका डिनर दे देती हूँ। सो गाइस मैं खाने वाली हूँ दलिया। मैं इधर करके दिखा दूँ, दलिया और दही। मैं रोटी नहीं खाने वाली। सो चलिए मैं डिनर इंजॉय करती हूँ और आपसे लेती हूँ अलविदा। सो गाइज होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड गुड नाइट एवरीवन। सो अब हम जा रहे हैं डिनर करने। वैसे राजेश और रिधान का हो गया है, अब मैं एक अपना करने जा रही हूँ। सो उसके बाद फिर किचन की साफ सफाई करूँगी और फिर सो जाऊँगी। सो गुड नाइट, आई लव यू ऑल।